सैमसंग लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सैमसंग ने मलेशिया में पिछले महीने गैलेक्सी A9 2018 को लॉन्च किया था, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि कंपनी से भारत में नवंबर को लॉन्च करेगी। वहीं पिछले हफ्ते सामने आई जानकारी के मुताबिक गैलेक्सी A9 को 4 नवंबर को पेश किया जाएगा। अब ये डिवाइस कंपनी की वेबसाइट पर कीमत के साथ लिस्ट हुई है। मलेशिया में सैमसंग गैलेक्सी तकरीबन 51,300 रुपये में यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। वहीं खबरों के मुताबिक सैमसंग वेबसाइट सोर्स कोड के मुताबिक भारत में ये डिवाइस 39,000 रुपये में लॉन्च होगी। गैलेक्सी A9 2018 में 6.3 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 18:5:9 का है। फोन में 2.2 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 SoC है, जिसमें 6GB रैम और 8GB रैम का ऑप्शन आएगा। कंपनी मार्केट के हिसाब से स्मार्टफोन में रैम वेरिएंट को पेश करेगी। फोन में 128GB की स्टोरेज है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन के बैक पर सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके अलावा फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन ने 3800mAh की बैटरी है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में USB टाइप सी पोर्ट और 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.0 ओरियो पर ऑपरेट करता है। इसके अलावा सैमसंग में इसमें इनबिल्ट भी है। फोन के फ्रंट में 24MP का कैमरा है। स्मार्टफोन नवंबर में बिक्री के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट 9 टेक के लिए काशिफ अली की रिपोर्ट।